करते हैं आज का और एक वीडियो 20 फीट × 50 फीट 1000 स्क्वायर फीट का न्यू प्लान। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे प्लान का। डिटेल्स करने से पहले देखिए, थोड़ा सा हम ड्राइंग करके आपके साथ इसका डिटेल्स आपके उसके इसके डिटेल्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे, तो आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस प्लान के बारे में। तो चलिए पहले हम आपके साथ से बात करते हैं क्या क्या है इसमें, इस प्लान के हिसाब से। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर देखिए आउटलाइन ड्रॉ कर दिया है जो कि है 20 × 50। ओके, यहाँ पर 20 फीट, फिफ्टी फीट। ओके, इसके दौरान आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका जो आउटसाइड वॉल है इसको भी हम थोड़ा सा इधर हाईलाइट करके आपके साथ देखिए शेयर करते हैं। आउटसाइड का वॉल तो इधर हम दिखाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ड्राइंग। अब देखिए एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ड्राइंग देखने के बाद। ठीक है, तो इस ड्राइंग में हम क्या क्या चीज़ रखा है पहले देखिए। इधर से एक लाइन सीधा इधर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर उसके बाद इस लाइन के थ्रू हम यहाँ पर देखिए कुछ ड्राइंग का डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक है, हाँ यहाँ पर और एक है, ठीक है इधर भी। ओके, और इधर तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको लगता होगा। तो इसके साथ देखिए यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रा करना है हमें, देखिए ऐसे लाइन ड्रा करना है और ये तो हो गया। इसके बाद और कोई लाइन ड्रॉ करना अभी नहीं है, अभी जो है यहाँ पर जो स्टेयर का पाथ आ जाएगा ऐसे और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर स्टेयर का पार्ट करेंगे और इसके बाद हम ले करेंगे। तो इधर हम थोड़ा सा इरेस कर देंगे, तो इधर से हम घर का अंदर जाने का, जो घर के अंदर इसका मतलब घर के अंदर आपको जाने का जो रास्ता है उसका हम इधर दिखाएंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपको घर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। ओके, तो चलिए चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, उसके बाद हम जो प्लान है उसके बारे में बात करना है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन के साथ हम इधर जो है हमारा अभी देखिए इधर से हम इधर तक लेकर आएंगे। इधर से देखिए लाइन तो ड्रॉ कर दिया है, इधर लाइन के थ्रू तो देखिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर से हमको जो लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा हमें इसे करना है क्योंकि इसमें जो आया है यही रहेगा, और उसके बाद इधर से जो लाइन जो वॉल आएगा इधर ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ऐसे आएगा तो थोड़ा सा कलर प्रॉब्लम हो गया है, इधर ऐसे आएगा इधर ऐसे आएगा। ठीक है, और इधर जो है वॉल नहीं आएगा, इधर वॉल आएगा। ओके नाउ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लुक चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है हमें देखिए, इसको कैसे चेंज करना है, इसका जो है ऐसे हम इधर डोर प्रोवाइड करेंगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा
जस्ट ऐसे आएगा, उसके बाद जो है इसका हम ऐसे इधर थोड़ा सा लुक चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, देखिए स्टेयर को जो ट्रेड और राइजर यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम देकर ड्राइंग को एंड किया है, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे आप आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो इधर जो पोर्शन है यहाँ पर आपका ओपनिंग या विंडो वगैरह के लिए यहाँ पर हम छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, इधर भी हम छोड़ देंगे इधर। ओके, और फ्रंट में जो आएगा इधर एक बरामदा आएगा, हमने ऐसे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल्स, इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो पहले जो है यहाँ पर गेट, इधर से आप यहाँ पर से इधर से हम घर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मेन गेट आएगा, एंट्री रहेगा यार, एंट्री यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर डोर, देखिए डोर का जहाँ पर पोजीशन आएगा हम यहाँ पर दिखाएंगे, और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर ओपनिंग रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक बेडरूम, 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 ओके, यहाँ पर एक बेडरूम, तो यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम, पहले हम सब कुछ लिख के रखते हैं, ठीक है। बेडरूम, यहाँ पर बाथ प्लस टॉयलेट एक साथ, यहाँ पर जो है डाइनिंग, ओके, यहाँ पर ड्राइंग, यहाँ पर किचन का एक पार्ट रहेगा यहाँ पर, ओके, ओपन किचन, ओपन किचन यहाँ पर रहेगा, ओके। तो इसके बाद हम इसका डिटेल्स जो है, यहाँ पर एक बैल्कनी रहेगा, बैल्कनी, तो बैल्कनी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो स्टेयर जो है यहाँ पर 3 फीट 6 इंच का वाइड रहेगा, यहाँ पर जो है 4 फीट का वाइड रहेगा, यहाँ पर जो है 3 फीट 6 इंच का वाइड रहेगा। यहाँ पर जो है ड्राइंग, तो इसको हम रखेंगे 8 फीट 6 इंच का, और इधर जो है 17 फीट 6 इंच का इधर रहेगा, और इधर जो एक बेडरूम है इसका हम रखेंगे 10 फीट 3 इंच इधर, और इधर जो डिस्टेंस है 11 फीट इधर है, ठीक है, और इसके बाद इधर भी 11 फीट है, और इसके बाद इधर 10 फीट, और इधर जो रहेगा 12 फीट। देखिए एक एक करके हम सब जगह का मेजरमेंट सेट कर देते हैं। यहाँ पर 10 फीट 3 इंच इधर रहेगा, और इधर भी 10 फीट 3 इंच है, तो ऐसे करके हम 10 फीट 3 इंच 3 बेडरूम यहाँ पर सेट कर दिया है। जो बेडरूम यहाँ पर जो बाथ है 8 फीट 6 इंच, और इधर जो है इसका 6 फीट, ओके, ये कॉमन यहाँ पर बाथ एंड, और यहाँ पर जो डाइनिंग है यहाँ पर 10 फीट, और यहाँ पर जो है 8 फीट 6 इंच यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्राइंग में सब कुछ आपको मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जो कॉलम है उसका पोजीशन हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कोई भी कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऐसे ही रखना होगा। तो आपको कोई भी चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक बात, आपको अगर कोई भी किसी जगह पर कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड का जो वॉल है इस यहाँ पर 5 इंच का वॉल, और इनसाइड में जो है 5 इंच का वॉल, और इसका जो है कॉलम यहाँ पर 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम। तो इसमें टोटल जो बिल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा, बिल्डिंग कॉस्टिंग आपको आएगा टोटल 15 to 18 लाख। तो इसमें क्योंकि वेरी करते हैं आपका कौन सा स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और कुछ भी कुछ ऐड करना है, कुछ भी आपको ज़रूरी है तो कर सकते हो। और फाउंडेशन साइज़ कितना आएगा इसका, फाउंडेशन साइज़ इस पर आएगा 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 5 फीट का फाउंडेशन साइज़ आएगा। और इसका टोटल मटेरियल्स कितना आएगा हम एक छोटा सा आपको देते हैं। एक सीमेंट आपको लगेगा, सीमेंट, तो और यहाँ पर 2 है ब्रिक, और 3 है आपका जो है
रेनफोर्समेंट जो सरिया है, तो इसका कितना लगेगा? सीमेंट आपको यहाँ पर लग जाएगा टोटली 400 to 500 बैग्स यहाँ पर, और ब्रिक्स जो है आपको लग जाएगा 15,000 पीस। ओके, 15,000 पीस। और रेनफोर्समेंट आपको लग जाएगा 2.5 टन to 3 टन, ये डिपेंड करता है आपका जो यहाँ पर जो सेट है उसके ऊपर, टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।